हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं सिर्फ बतला रही हूँ पंजाबी सलवार किस तरह कटिंग होता है। तो ये मेरा 2.25 मीटर का कपड़ा है, जैसे सूट का पीस है तो उसी में से निकला हुआ है। तो इसको पंजाबी सूट मतलब हमको सिलने के लिए मिला हुआ है, तो इसको हम पंजाबी पैजामा बतला रहे हैं आपको। देखिए, जैसे अगला वीडियो में हम डाली हूँ पर उसका कटिंग कुछ अलग है, इसका कटिंग कुछ अलग है। तो देखिए, यहाँ से हम फोल्ड कर लिए हैं, डबल फोल्ड में ही मेरा है, ये मेरा पट्टा निकलेगा, ठीक है। यहाँ से 8 इंच लिए हैं, देखिए 8 इंच है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो ये कट कर देंगे, थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है बराबर करेंगे। 8 इंच इधर से है और इधर से 31 इंच है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अब देखिए, कमर पट्टी भी हम 9 इंच के निकाल लिए हैं, एक साइड से, उधर साइड से 9 इंच के निकाल लिए हैं। इसके बाद देखिए, इसको हमको इस तरह रखना है, यहाँ से 31 इंच का मेरा ये बचा हुआ है, यहाँ देखिए जैसे 31 इंच का है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कोना पे से जैसे हम लेंगे तो ये 4 इंच का, 8 इंच का मोहरी रखे हैं तो यहाँ से 4 इंच और लेंगे, 4 इंच लेंगे तो सिलने के बाद कई इंच बचेगा, 1 इंच तो कम जाएगा, 1 इंच, 1/2 इंच यहाँ, 1/2 इंच यहाँ, 1 इंच कम गया, 1 इंच इसमें से भी कम गया। अब देखिए यहाँ से नाप लीजिएगा कि 31 इंच कहाँ जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 31 इंच लगा ली, यहाँ से, यहाँ 31 इंच पे टिक मार दिए। अब देखिए जितना हमको वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से 4 इंच हम रखे हैं, 4 इंच पे टिक मारे हैं तो यहाँ से भी 4 इंच पे टिक मार देना। यहाँ पर ध्यान दे करके देखिएगा किस तरह का टिक हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ हम टिक लगा दिए तो मेरा इतना कपड़ा बच रहा है ना, इतना कपड़ा बच गया है, 11.5 इंच, तो 11.5 इंच यहाँ भी टिक लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पर टिक लगाएंगे। इस तरह से अब देखिए कपड़ा मेरा इतना, दो साइड इधर हो गया, दो साइड इधर हो गया, तो मेरा आगे का तो चाहिए ना, तो आगे का यहाँ पर निकल जाता है, 8 इंच में टिक मारते हैं। यहाँ देखिए बाकी 9 इंच का निकाले हैं तो 8 इंच ले लीजिएगा, हो जाएगा 7 भी लीजिएगा तब हो जाएगा, अगर 8 ले लीजिए लेडीज का है, 8 ले लेते हैं, इससे मतलब बाद में दिक्कत ना होगा। और यहाँ से भी 8 इंच पर लेंगे, यहाँ से देखिए 8 इंच बन गया, अब इसको देखिए कटिंग करके आपको दिखला। Thank you.
देखिए जैसे मैं आप लोग नहीं समझ पाइएगा कि यहाँ क्या लग गया, यहाँ क्या लग गया, दूर नहीं करना है, वहाँ से जिस तरह आए तो इस तरह हमको कटिंग करना है, यहाँ से इस तरह से कटिंग कीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से निकाल दूँ और यहाँ पर भी इस तरह से निकाल दूँ। एक पहले भी वीडियो डाल चुके हैं तो दूसरा तरह से कटिंग है, इसके वजह से आपको हम इस तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह से चुनून सब सेम दिया हुआ है, बाकी कटिंग थोड़ा सा अलग है, इसके वजह से आपको हम ये बतला दे रहे हैं। देखिए इस तरह से पट्टा ज्वाइंट हो जाएगा, इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा और इसके बाद फिर चुन देने के लिए सब अगले वीडियो में डाला हुआ है, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से बनता है, बहुत सुंदर बनेगा। आपको शॉर्ट्स वीडियो में डालेंगे इसको सीधा।